8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने घोषणा की और 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित कर दिया। अब बाजार में 500 और 1000 के नोट की जगह पर 500 और 2000 के नए नोट आ चुके हैं। जिनके पास पुराने नोट हैं, वो उन्हें या तो बैंक में जमा कर रहे हैं या फिर बदल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अब पुराने 500 और 1000 के नोटों का क्या होगा? अगर आप नहीं जानते हैं कि पुराने नोटों का क्या होने वाला है, तो हम आपको बता रहे हैं कि पुराने नोटों का इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है। नोटों से ईंट बनेगी। जी हां, सुनने में चाहे अजीब लगे, लेकिन ये सच है। पुराने नोटों का इस्तेमाल ईंट बनाने में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में पहले करेंसी को पतले पतले टुकड़ों में काटा जाएगा, फिर इन टुकड़ों को एक ह्यूमिडिफायर में डाला जाएगा, जो इन्हें ईंट जैसे टुकड़ों में बदल देंगे। इन टुकड़ों को कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, जिनका उपयोग गड्ढों को भरने के लिए किया जाएगा। बिजली बनेगी। चीन से सबक लेकर भारत पुराने नोटों से बिजली बना सकता है। साल 2014 में चीन की एक कंपनी ने पुराने नोटों को जलाकर बिजली बनाई थी। भारत भी ऐसा प्रयोग कर सकता है। कैलेंडर फाइलें बनेंगी। पुराने नोटों को फाइलें, कैलेंडर आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। साथ ही जो नोट तय मानक के हिसाब से सही सलामत अवस्था में है, उन्हें नई करेंसी में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो साफ है कि भले ही पुराने नोटों की कीमत शून्य हो चुकी हो, लेकिन इन नोटों का इस्तेमाल कई जगह किया जा सकता है।